आजमगढ़ शहर के ऐतिहासिक मोहता स्कूल की इमारत का बांधकाम गत 6 माह पूर्व किया गया, जिसमें 8,42,00,000 रुपए का निधि खर्च किया गया, लेकिन सिर्फ 6 माह में ही इमारत का पीओपी का ढांचा ध्वस्त हुआ। एक बार नहीं तो 2 बार ये ढांचा ढहने से इमारत छात्रों के लिए कितनी सुरक्षित है, ये सवाल उठाया जा रहा है। निकृष्ट दर्जा का बांधकाम होने से इस तरह के हादसे होने की बात की जा रही है, जिस वजह से पालक व छात्रों में इस बांधकाम बाबत रोष व्यक्त किया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन के अधिकार में ये स्कूल आता है, इससे मोहता स्कूल के नीचे के और ऊपर के मंजिले का ढांचा कैसे ढहा, इस पर प्राचार्य गंगाधर ढगे मोहता स्कूल हिंगनघाट से बात करने पर उन्होंने इस बाबत अज्ञानता प्रकट की। हिंगनघाट से कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौरकर की रिपोर्ट।